चलो भाई रोटी बना लेते हैं। सबसे पहले ये रहा अपना तवा, तवा अपना जो है तैयार हो चुका है रोटी बनने के लिए, तो फटाफट से रोटी बना लेते हैं यार। एक हाथ से कैमरा। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो। तो कल वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा कि मैं सुबह सुबह कल सेविंग कराने गया था, लेकिन सेविंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यार कल मंगलवार था। मुझे तब ध्यान आया जब मैं सैलून जाने वाला था, तब मुझे ध्यान आया कि आज तो मंगलवार है और सैलून बहुत कम खुला थे कल। तो आज सबसे पहले उठ के गुड मॉर्निंग हो चुकी है मेरी 10:30 बजे। 10:30 बजे मैं इसलिए उठा क्योंकि यार कल रात को मैं लेट सोया था ना, बहुत ज्यादा लेट सोया था। 9:30 बजे मैं उठ गया था, लेकिन अभी तक जो है पूरा टाइम 10:30 हो गया। तो चलो सबसे पहले बिना देरी करे चलते हैं सीधा सैलून, और फिर उसके बाद मुझे कॉलेज जाना है, क्योंकि कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड है जो मेरा वेट कर रही है। फ्रेंड है, ओनली गर्लफ्रेंड नहीं है। तो आपको भी मिलाऊंगा उससे अगर वो कॉलेज में रुकी तब तक, तो क्योंकि उसको उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है इसलिए वो घर चली जाती है। बट आज का ब्लॉग वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और ये मेरा दूसरा ब्लॉग वीडियो होने वाला है। कल वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, माय फर्स्ट ब्लॉग, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको भी देख लेना, क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ उसमें था। उस वीडियो को भी बिल्कुल मिस मत करना, उसको भी देख लेना। बाकी अभी सबसे पहले मुझे जाना है सैलून, पहले ये सब काम करा देते, उसके बाद नहाना है, बहुत काम रह गया। और जल्द ये काम मुझे जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स में करना है, क्योंकि 45 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे कॉलेज के लिए निकलना है यहाँ से। यही कुछ 5-10 मिनट मुझे कॉलेज जाने में लगते हैं, तो पूरे 1 घंटे बाद मैं कॉलेज पहुंचूंगा। तो फटाफट से ये 1 घंटा मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं इसमें पूरा का पूरा काम करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यार बिना स्किप करे चलते हैं सीधा सैलून। ये मेरा रूम है, रूम में मैंने बोल रखा है ना, रूम का मैं आपको एक अलग से टूर कराऊंगा। सबसे पहले लाइट बंद कर देते हैं और चलते हैं सीधा बाहर, और बाहर का व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले यार मार देते हैं, तो हमने दरवाजे को कुंडी मार दी है भाई, और पूरा का पूरा सुबह हो चुकी है। क्या मस्त धूप लगी हुई है आज, और सूर्य देवता ने अपने दर्शन पता नहीं आधे रास्ते तक आ गए सूर्य देवता, और ये चेक कर सकते हो आप लोग। अभी रुकना, आप लोगों को फिर से बता दूं मैं देहरादून में रहता हूँ, और यार ये हॉर्न की आवाज़ आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में, भाई कितना हॉर्न मारेगा। और ये देख सकते हो आप लोग तगड़ी धूप लग रखी है, और चलो चलते हैं सीधा सैलून चलते हैं यार। सबसे पहले तो आया था मैं सैलून, और भैया का कहना है कि अभी मुझसे पहले एक दूसरा बंदा है जिसका नंबर आएगा मुझसे पहले, और कुछ ऐसी हालत हो रखी है मेरी, देख सकते हो आप लोग, मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो इस सैलून में मैं आया हुआ हूँ, और अभी मैं हमेशा यहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी आया था तो मैंने यहीं बाल बनाए थे। और अभी मतलब यार टाइम लगेगा, अभी कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ेगा मुझे, तो यार उस 1 घंटे में आधा घंटा और जोड़ दो, मुझे कुल मिलाकर 1.5 घंटा लगने वाला है, क्योंकि एक भैया मुझसे पहले हैं। तो अभी उनका नंबर आएगा, फिर मेरा नंबर आएगा, तो चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो मैं हो रहा था बोर, अभी थोड़ा सा तब तक मैं ये पेपर पढ़ लेता हूँ, और बैकग्राउंड में सॉन्ग भी चला दिया भैया ने, तो बोर तो मैं बिल्कुल नहीं होऊंगा। ये देहरादून का पेपर है तो उसको मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ यार, करंट अफेयर्स भी मेरा थोड़ा ठीक हो जाएगा जब तक भैया बाल बनाते हैं। और यहाँ से बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। तो चलो सैलून से तो मैं आ गया, आप थोड़ी सब्जी भी ले लूँ, क्योंकि यार मैं चावल तो खा नहीं रहा, मैं रोटी खाऊंगा, तो रोटी के लिए सब्जी सही रहती है। फूल गोभी ले लूंगा, क्योंकि फूल गोभी सही रहेगी, और आलू तो वहाँ पड़े हुए हैं पहले से, थोड़ा फूल गोभी लूंगा। भैया आ रहे हैं अभी, तो अभी ले लेते हैं इनसे सब्जी। कैसे दे रहे हो? 25 रुपए का 1 किलो कर दो फूल गोभी, कर दो उसी को, कर दो 30 का। और ऑनलाइन पेमेंट करूंगा मैं, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कम होता है ना, तो इसलिए यार मैं यहीं आता हूँ हमेशा। और बाकी बैंगन था, गाजर थे, खाने का तो मन कर रहा था खीरा खाने का, लेकिन तबीयत खराब है, मेरी आवाज़ चेंज आ रही होगी। गाइस चलो सब्जी काट लेते हैं अभी, और भाई सब्जी बनानी है आज। मैंने बताया था ना आपको कि यार मैं नहीं खा रहा हूँ चावल और कुछ भी। और बताओ कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई, अभी सेविंग सब करा दिए ना, तो थोड़ा तो अच्छा लग रहा होगा। बट जो भी है पहले सब्जी काट लेते हैं, सब्जी बनानी है, फिर रोटी बनानी है, तो फिर करते हैं लंच। तो चलो गाइस सब्जी बना लेते हैं, कढ़ाई चढ़ा दी मैंने, सब्जी काट दी है, प्याज हीरा टमाटर हीरा, और अब हम बनाएंगे सब्जी। तो सबसे पहले जो इसमें तेल डाल देते हैं, पहले कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देते हैं, इसमें थोड़ा पानी, इस पानी को निकाल देते हैं कढ़ाई से बाहर। तो अभी हम खाना बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगा, फिर हम जो है खाना खाएंगे, ठीक है। तो ये साफ है, इसको नीचे रख देते हैं। यार गंदगी कुछ ज्यादा ही हो रखी है, मैंने बोला है ना मैं आपको रूम टूर कराऊंगा, लेकिन रूम टूर में तभी कराऊंगा जब मुझे 10 कमेंट दिखेगी ऐसी कि अपना रूम टूर कराओ, तभी मैं आपको अपना पूरा का पूरा रूम दिखाऊंगा। एंड चलो खाना बना लेते हैं, सबसे पहले इसमें तेल डाल देते हैं। तो गाइस ये आ गया इसमें, यार ये खुल क्यों नहीं रहा, फाइनली सब्जी तो हमारी बन चुकी है, बन रही है, मतलब मैंने सब कुछ डाल दिया था इसमें। एंड अब थोड़ा बाहर का व्यू देख के आते हैं क्या चल रहा है बाहर। मस्त धूप लग रखी है, बहुत प्यारी सी धूप।
टेंट है, यहाँ पर आप मुझे देख सकते हो। लग रहा हूँ ना स्मार्ट अभी तुम्हारा भाई, अभी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने सेव कराया और बाल कटवा दिए ना, भारी भारी सा होता है यार सर ना, और मुझे कल ही कर देना था ये, लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली मंगलवार था तो मैं नहीं कर पाया। बाकी अभी का बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और खाना बनते ही हम लंच कर लेंगे, उसके बाद शाम को यार मैं स्टूडेंट हूँ तो कहीं बाहर जा भी नहीं सकता ज़्यादा, यही आप लोगों को दिखा रहा हूँ एक स्टूडेंट की लाइफ क्या होती है, कैसे वो जीता है। चलो भाई रोटी बना लेते हैं सबसे पहले। ये रहा अपना तवा, तवा अपना जो है तैयार हो चुका है रोटी बनने के लिए, तो फटाफट से रोटी बना लेते हैं। यार एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ रहा है, एक हाथ से रोटी बनाना पड़ रहा है, ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे। तो पहले मैं रोटी बना लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो गाइज आ चुका है लंच, ये सब्जी रोटी, फटाफट से लंच कर लेते हैं आज। यार सब्जी ना काली काली बन गई, मुझे ऐसी ही बनानी आती है, ज्यादा अच्छी बना नहीं पाता मैं। फिलहाल लंच कर लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। पर हल्की हल्की बरसात, ओ भाई क्या मौसम हो गया है, बिल्कुल कल की तरह, इधर से लाल इधर से ब्लैक, रेड एंड ब्लैक हो गया पूरा का पूरा मौसम, ये देख सकते हो आप लोग। और भाई हल्की हल्की बूंदे बांदी होने लग गई है। मैं टोपी पहन के बाहर आया क्योंकि मुझे पता है मैं पहले ही बीमार हूँ, अगर हल्का सा भी मेरे सर पे पानी गिरा ना भाई मैं बीमार हो जाऊंगा फिर से। तो अभी बारिश होने लग गई, ये देख सकते हो आप लोग, हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग बूंद बूंद दिख रही होगी आप लोगों को। और भाई बारिश होने लग गई है यार, समझ में नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर में जब बारिश बंद हो जाएगी तब करेंगे व्लॉगिंग। और मेरे चाचा आ रहे हैं आज गांव से, ऋषिकेश रहते हैं और ऋषिकेश से आ रहे हैं, गांव के चाचा हैं, तो उनसे भी मिलाऊंगा आप लोगों को। उन्होंने कहा कि देखो आसमान कैसे आवाज़ कर रहा है, भाई आसमान बहुत गंदी आवाज़ कर रहा है। तो चलो जल्दी से जल्दी अंदर चला जाता हूँ मैं, नहीं तो बीमार हो जाऊंगा भाई। और रूम पूरा का पूरा काला टाइप का हो गया, अंधेरा अंधेरा। तो गाइज यहाँ पर कुछ हो रहा है, मैंने आपको बताया था ना ये महा लक्ष्मीनारायण मंदिर है और यहाँ पर कुछ फंक्शन है। क्या मस्त सज रखा है, दिखा देता हूँ आपको, ये देखो गाइज क्या प्यारा लग रहा है यार। एंड चाचा जी आए हैं देहरादून, मैंने कहा था ना मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक स्पेशल पर्सन से, और ये मतलब सबसे करीबी है मेरे, और इनके साथ ही मैं ज़्यादातर रहता हूँ क्योंकि गांव में मैं जाता हूँ तो चाचा जी हमें नई नई चीज़ें सिखाते हैं और लाइफ से रिलेटेड ना यार हर चीज़ में ये हेल्प करते हैं हमारी। तो चलो अभी रूम पे चल लेते हैं, क्या प्यारा लग रहा है यहाँ से यार, देख सकते हो आप लोग बहुत सुंदर लग रहा है।